आज के टाइम में जहां देखो इलेक्ट्रिक वाहनों की धूम है, कंपनियों से लेकर सरकार और आम लोगों के बीच बस ईवी की ही चर्चा है। कंपनियां साल में कम से कम 2 से 3 नए मॉडल लॉन्च कर रही हैं। सरकार भी ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर सब्सिडी के नाम पर खूब पैसा बहा रही है, लेकिन एक्चुअल में पूरे इलेक्ट्रिक व्हीकल कारोबार का हाल खोता पहाड़ निकली चुईया जैसा है। इस पूरे शोर शराबे के बाद भी ना तो सरकार और ना ही कंपनियां कस्टमर्स को शोरूम तक लाने में सफल हो रही हैं। लाख कवायद के बाद भी ईवी व्हीकल्स जो हैं उनकी बिक्री रेंग रही है, यानी कि बहुत धीमे चल रही है। हालत इतनी खराब है कि बिक्री के आंकड़े देखकर हो सकता है आपकी आंखों से भी आंसू निकल जाएं। बाजार में मौजूद करीब आधा दर्जन कंपनियां भी मिलकर महीने भर में 6,000 इलेक्ट्रिक कारें नहीं बेच पा रही। आइए जानते हैं कि इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री के आंकड़े क्या कह रहे हैं और इस घटती बिक्री के कारण एक्चुअल में क्या है वास्तव में कारण कि इतनी बिक्री घट रही है। सबसे पहले बिक्री के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। सरकार की वेबसाइट से वाहन प्राप्त रजिस्ट्रेशन के आंकड़ों पर अगर हम नजर डालें तो भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री सितंबर 2024 में 9% घट गई है और ये मात्र 5,733 इकाई रह गई है। इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री का ये 19 महीने का निचला स्तर है। वाहन वेबसाइट के अनुसार मार्च में ईवी की बिक्री 9,503 यूनिट के साथ चरम पर थी, तब से बिक्री में लगातार गिरावट आ रही है। अप्रैल में कंपनियों ने 7,415 और जून में 7,638 वाहन बेचे। वहीं अगस्त की बात करें तो तब सभी कंपनियों ने मिलकर 6,630 ईवी बेचे थे। ये आंकड़ा भी पिछले साल के कंपैरिजन में 5% कम है, यानी मार्च के बाद से कंपनियां कभी 9,000 का आंकड़ा नहीं छू पाई हैं। अब चलिए कंपनियों पर नजर डाल लेते हैं। तो सबसे पहले देश की नंबर 1 ईवी कंपनी टाटा मोटर्स की बात करते हैं। टाटा मोटर्स ने पिछले साल के कंपैरिजन में 18% की गिरावट दर्ज की है। टाटा ने सितंबर 2024 में 3,530 ईवी बेचे, जबकि पिछले साल ये संख्या 4,320 थी। इसकी बाजार हिस्सेदारी भी 68% से घटकर 61% हो गई है। इसके बाद बारी आती है एमजी मोटर्स की, जिसने पिछले महीने अपनी ईवी बिक्री में 7% की वृद्धि दर्ज कर कार निर्माता ने सितंबर 2024 में 955 इकाइयां बेच दी, जबकि पिछले साल की संख्या 894 था। हालांकि अगस्त 2024 की तुलना में बिक्री में 32% की गिरावट आई। ब्रांड की अब बाजार हिस्सेदारी 16.65% है। अब देसी प्लेयर महिंद्रा की बात कर लेते हैं तो कंपनी ने भी अपने प्रोडक्ट लाइनअप में केवल एक ईवी होने के बावजूद मजबूत ग्रोथ दर्ज की। कार निर्माता ने सितंबर 2024 में 433 XUV 400 बेची थी, जो कि पिछले साल की तुलना में 23% और मासिक आधार पर 33% की वृद्धि दर्ज करती है। कंपनी की बाजार हिस्सेदारी 7.72 है। चीनी कंपनी BYD को भी सितंबर में झटका मिला है। कंपनी की बिक्री मासिक आधार पर 27% घटी है। BYD ने अगस्त 2024 में 221 इकाइयों की तुलना में 161 इकाइयां बेची। वैसे सितंबर 2024 का महीना फ्रेंच कंपनी सिट्रॉन के लिए भी काफी अच्छा रहा। कंपनी ने 386 इकाइयों की बिक्री की। वहीं हुंडई ने सितंबर महीने में केवल 26 आयोनिक 5 ईवी बेची। अब जरा जानते हैं कि भारत में ईवी मार्केट जो है, ईवी व्हीकल्स इतनी ज्यादा उनकी बिक्री क्यों नहीं हो पा रही है, बढ़ क्यों नहीं पा रही है? तो इसका कारण है सरकारी रियायत। आमतौर पर ये इंडस्ट्री सरकारी रियायत की बैसाखी पर ही टिकी दिखाई देती है। जहां बैसाखी छीनी वहीं बिक्री घटी। ताजा मामला दिल्ली से सामने आया है। देश भर में हर 10 में से एक इलेक्ट्रिक कार दिल्ली में बिकती है। यहां दिल्ली सरकार द्वारा रोड टैक्स पर छूट वापस लेने से इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री 10% तक लुढ़क गई। पूरी इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो अधिकांश सेल 2-व्हीलर और 3-व्हीलर में ही दिख रही है। जमीनी स्तर ग्राउंड रिपोर्ट में अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक वाहनों की अधिकांश सेल ई रिक्शा और दूसरे 3-व्हीलर से आ रही है। रही बची सेल 2-व्हीलर से मिल रही है। ईवी की घटती बिक्री का एक और कारण है कमजोर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत में करीब 12,000 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन है, जबकि पेट्रोल और डीजल देने वाले 87,000 फ्यूल स्टेशन है। आप बिलीव नहीं करेंगे, इलेक्ट्रिक कार आमतौर पर 150 से 200 किलोमीटर की रेंज देती है। इस रेंज के साथ आप दिल्ली जैसे शहर में नहीं चल सकते। ऐसे में आसपास के दूसरे इलाकों की तो बात ही आप छोड़ दीजिए, यहाँ पर इलेक्ट्रिक कार से जाना बहुत ही बड़ी मुश्किल है। वहीं 2-व्हीलर की चार्जिंग में लगने वाला लंबा समय भी इसे पेट्रोल का सही ऑप्शन बनने में रोड़ा अटका रहा है। वहीं इलेक्ट्रिक वाहनों की रखरखाव की लागत भी इसकी बिक्री न बढ़ने का एक कारण है। इलेक्ट्रिक वाहन पहले खरीदना ही इतना महंगा है और 6 से 7 साल बाद इसकी बैटरी रिप्लेस करने की जरूरत होती है, जो एक बड़ी लागत है। हालांकि एमजी जैसी कंपनियां इसके लिए बैटरी रेंटल जैसी स्कीम लेकर आई हैं, वहीं टाटा मोटर्स भी ऐसी ही स्कीम लाने की तैयारी में है। अगर ये स्कीम सक्सेसफुल हो जाती है तो एक बार फिर ईवी की बिक्री में तेजी दिखाई दे सकती है। तो कुल मिलाकर सरकार और कंपनियों के प्रोत्साहन के बाद भी लोग आगे बढ़कर इसे खरीदने के लिए खुलकर नहीं आ पा रहे हैं।
क्या आप भी आने वाले समय में ईवी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं? अगर हाँ तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। मनी नाइन को आप अपने फीडबैक दे सकते हैं, आपका क्या एक्सपीरियंस है ईवी को लेकर, ये भी आप बता सकते हैं। इस तरह की और खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए मनी नाइन के साथ।